Hey everyone, welcome back to my channel. तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक कॉकटेल मेकअप. तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले करूँगी आई मेकअप. तो आई मेकअप के लिए मैं आई प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, सॉरी कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. आप आई प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने आई प्राइमर लगाकर उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और साथ ही उसे पाउडर से सेट कर लिया है, क्योंकि पाउडर से सेट करना ज़रूरी है, वरना आपकी जो आई मेकअप होगा उसमें क्रीज आ जाएंगी, मतलब वो अच्छा नहीं होगा. तो उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी, मैं आज करने वाली हूँ थोड़ा स्मोकी आई मेकअप. तो मेरी आउटफिट जैसे कि ब्लैक है, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ काजल. तो आपको काजल को रफली ही अपनी आईलिड पर अप्लाई करना है, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है. उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट, और मैं इसमें से लूँगी ये ब्राउन कलर का शेड, और उसको जहाँ पर जो ब्लैक कलर के एजेस आ रहे हैं मैं उसको ब्राउन कलर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. तो जो उसके एजेस हैं उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पर लूँगी एक ट्रांजिशन शेड, और जो ब्राउन कलर जहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो उसको वहाँ पर मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. तो यहाँ पर मेरा आई मेकअप लगभग कंप्लीट हो गया है. उसके बाद मैं जहाँ पर मैंने काजल लगाया था मैंने उसको अच्छे से ब्लैक आई शेडो के साथ ब्लेंड कर लिया है. उसके बाद यहाँ पर आई मेकअप हो गया है कम्प्लीट. अब हम करेंगे फेस. तो फेस के लिए सबसे पहले हम मॉइस्चराइज़र मैंने पहले अप्लाई कर लिया था, तो उसके लिए अब हम करेंगे करेक्शन. तो कलर करेक्शन के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का कंसीलर, और ये शेड आई थिंक 1 है. उसके बाद मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और यहाँ पर मैं उसको ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. और आपको ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है. और बस अच्छे से ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी एक स्ट्रॉब हाइलाइटर, ये स्विस ब्यूटी का है, और मुझे इसे पहले यूज़ करना था करेक्शन से पहले, बट कोई बात नहीं, हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं. तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा सा अपने हाई पॉइंट पर ही अप्लाई करूँगी, जहाँ पर मुझे थोड़ी शाइन चाहिए. तो बस मैं उसके चिक बोन पर, नोज़ पर, और हल्का सा फोरहेड और चिन पर अप्लाई कर लूँगी अच्छे से, और उसको साथ में ही ब्लेंड कर लूँगी हैंड फिंगर की हेल्प से ही. और आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत ग्लो तो अभी से ही आने लगा है. उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी फाउंडेशन. फाउंडेशन के लिए मैं फॉरएवर 52 का फाउंडेशन लूँगी, और बस इसको मिक्स मैच करके मैं अपना एक शेड बना लूँगी, और उसको मैं फिंगर की हेल्प से अपने फेस पर लगाऊंगी. फिर मैं यहाँ पर ब्रश लूँगी, और ये ब्रश मुझे छोटा हो रहा था ब्लेंडिंग के लिए, तो मैंने एक बड़ा ब्रश लिया है. उसके बाद मैं फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और बहुत ही हल्के प्रेशर से. और आपको ज़्यादा फाउंडेशन जब आप ब्लेंड करते हो तो ड्रैग नहीं करना उसको, आपको डैबिंग मोशन में ब्लेंड करना है. और यहाँ पर मेरा फाउंडेशन भी अच्छे से ब्लेंड हो गया है. उसके बाद मैं लूँगी हाइलाइटिंग कंसीलर, और ये मेबलिन का है. उसको मैं अच्छे से हाई पॉइंट पर अप्लाई कर लूँगी, और उसको अच्छे से फिर ब्लेंड कर लूँगी. तो बस यहाँ पर मैं अपना कंसीलर भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है, जल्दी नहीं करनी है कोई भी. अगर आप जल्दी करोगे तो वहाँ पर स्ट्रोक आ जाएंगे. तो आपको हल्के हाथों से अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, और यहाँ पर ब्लेंडिंग भी हो गई है. तो ओके जी, तो उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगी पाउडर सेटिंग. तो पाउडर सेटिंग के लिए यहाँ पर मैंने लिया है पैक का ट्रांसलूसेंट पाउडर है ये. तो बस मैं उसको अंडर आई के नीचे और अच्छे से पूरे फेस पर सेट कर लूँगी. और यहाँ पर मैंने क्रीम प्रोडक्ट बहुत कम यूज़ किया है, मैं पाउडर प्रोडक्ट ही यूज़ करूँगी. तो बस पाउडर से सेट करने के बाद यहाँ पर मैं करूँगी अब आईब्रो. तो बस आईब्रो पे मैं फटाफट आपको थोड़ा सा ही करके दिखाऊँगी, मैं बैक कैमरा कर लूँगी. तो यहाँ पर मैंने आईब्रो भी कर ली है. उसके बाद मैं यहाँ पर लोअर लैश लाइन करूँगी. यहाँ पर बस सिर्फ लोअर लैश लाइन पे मैं ब्लैक आई शेडो को ही लगाऊँगी, और उसके बाद यहाँ पर मेकअप आई मेकअप हो जाता है. थोड़ा बहुत, थोड़ा नहीं मतलब लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया. और यहाँ पर मैंने इनर कॉर्नर पर लगाया है हाइलाइटर, ताकि थोड़ा सा पॉप ऑफ हो जाए. और उसके बाद मैं यहाँ पर बैक कैमरा मैंने अपना आई मेकअप कर लिया था, और मैंने यहाँ पर आई शेडो जो यूज़ की थी, मैंने ब्लैक मुझे करना था स्मोकी मेकअप, लेकिन मैंने स्मोकी के साथ साथ उसके ऊपर हल्का सा
ग्लिटर भी अप्लाई कर लिया था आईलिड के ऊपर, और उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगी ब्रॉन्जिंग, तो फटाफट से मैं ब्रॉन्जिंग भी कर लूँगी। बस आपको ब्रॉन्जिंग ज़्यादा नहीं करनी है, मैं बहुत हल्की करूँगी क्योंकि आई मेकअप थोड़ा हैवी है, तो मैं यहाँ पर ब्रॉन्जिंग थोड़ी लाइट ही करूँगी। मैं कॉन्टोरिंग नहीं करूँगी, सिर्फ मैं ब्रॉन्जिंग ही करूँगी। उसके बाद मैं लगाऊँगी ब्लश, ये वेट एंड वाइल्ड का है, और बस ब्लश को मैं अच्छे से फटाफट आपके सामने लगाऊँगी और मैं बाकी का बैक कैमरा ही कर लूँगी। तो यहाँ पर ब्लश थोड़ा मेरा ज़्यादा लग गया था, बस मैंने उसे ठीक कर लिया है। फिर इसके बाद मैं लगाऊँगी सेटिंग स्प्रे, और ये है फेसेस कैनेडा का सेटिंग स्प्रे। और बस उसके बाद मैं लगाऊँगी लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैंने मार्स का लिप लाइनर यूज़ किया है और स्विस ब्यूटी की लिक्विड बुलेट लिपस्टिक है ये, बस ये ली है मैंने। और ये थोड़ी न्यूड कलर में है, क्योंकि जब आप आई मेकअप हैवी करते हो तो थोड़े आपको लिप जो कलर होता है आपको न्यूड रखना होता है, थोड़ा सटल रखना होता है। तो मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का ये मुझे शेड आई थिंक ये जो भी है मैं आपको बता दूँगी। उसके बाद ये मुझे थोड़ी ज़्यादा न्यूड लग रही, तो मैंने सेंटर में ये मार्स का लिप क्रियोन लगा लिया था थोड़ा, जो ये पिंक कलर में है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिप ग्लॉस भी अप्लाई कर लिया है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे फाइनल लुक में।